करेंगे ग्वालियर की खबर के साथ, जहां राहुल गांधी के एक ट्वीट पर कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि हर 2-3 महीने में अज्ञात रूप से राहुल गांधी विदेश जाते हैं और विदेश से आते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। इसके अलावा यह भी कहा कि राहुल बहुत समय से विदेश नहीं गए, इसलिए मानसिक रूप से गड़बड़ लग रहे हैं। वो ऐसे प्रश्न इसीलिए पूछते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही। मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लूंगा और आप भी गंभीरता से नहीं लीजिए, ये बात उन्होंने मीडिया से कही है। देखिए, राहुल गांधी हर 2-3 महीने में अज्ञात रूप से विदेश जाते हैं और उसके बाद वो विदेश से आते हैं तो थोड़े से फ्रेश हो जाते हैं। बहुत समय से विदेश में गए नहीं है वो, जो गुप्त यात्रा उनकी विदेश की होती है, और इसलिए अभी मानसिक रूप से थोड़ा सा गड़बड़ लगते हैं मुझे, और इसलिए इस प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसे प्रश्नों को कोई गंभीरता से लेता होगा। आप भी इसे गंभीरता से मत लीजिए और मैं भी गंभीरता से नहीं लेता। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी दरअसल लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। एक बार उन्होंने केंद्र पर तंज कसते हुए कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि सरकार ने फरवरी में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया, मार्च में मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, जुलाई में राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश की, इसी वजह से देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आत्मनिर्भर है। योगेश यादव साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर पे बातचीत के लिए। योगेश साहब, आपका स्वागत है। और अब ये बयान आपने सुना होगा, विजयवर्गीय साहब ने ग्वालियर में ये बयान दिया है। उनका कहना है कि वो विदेश जाते हैं और वहाँ से फ्रेश होकर आते हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि वो अज्ञात कारणों से विदेश जाते हैं और पिछले कई समय से वो विदेश नहीं गए, इसलिए कुछ गड़बड़ तरह का सवाल पूछ रहे हैं, मानसिक रूप से गड़बड़ लग रहे हैं। ये बयान इस वक्त आया है जबकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कांग्रेस के भीतर से अलग अलग हिस्सों से ये मांग उठ रही है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। राहुल गांधी ही वो शख्स हैं जो कांग्रेस की बागडोर संभाल कर उसे फिर से दोबारा खड़ा कर सकते हैं या और मजबूती दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी को किसी भी तौर पर सीरियस नहीं लेती है। क्या देखते हैं इसके पीछे, राहुल गांधी में कोई कमी लगती है या ये बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल जी के विचार से और राहुल जी की शक्ति से कहीं ना कहीं से अब कैलाश विजयवर्गीय तो उस लेवल के नहीं है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, भयभीत होते हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा ये राहुल जी को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जब तक इन लोगों को राहुल जी का नाम, सोनिया जी का नाम या कांग्रेस का नाम ये ना ले पाए तो इन लोगों का शायद मुझे लगता है खाना हजम नहीं होता। मानसिक रूप से विचलन तो अभी भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा है। कैलाश जी अभी किस तरीके से बहके बहके बयान दे रहे थे 2-3 माह से, या जग जाहिर है किस तरीके से उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कहा। और जहां तक राहुल जी के बयान में बात है तो राहुल जी का बयान एक सुव्यवस्थित बयान है। उस बयान में भारत की जनता की आवाज है, भारत के निम्न मध्यम वर्गीय की आवाज है, भारत के बेरोजगार की आवाज, बेरोजगार व्यक्ति की आवाज है, भारत जो विकास की राह देख रहा था उसकी आवाज है और पतन की तरफ पड़ता गया। उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से फरवरी माह से लेकर मार्च और मार्च से लेकर जून तक का जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। निश्चय ये प्रश्न एक कांग्रेस पार्टी के प्रखर नेता का ही नहीं है, यह भारत की 125 करोड़ जनता की आवाज है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश को रसातल की ओर पहुंचाया, नीचे पहुंचाया, वो ये भारत 70 साल आजादी के बाद इतने गर्त स्तर पर नहीं गया, इतने नीचे पायदान पर नहीं पहुंचा। और जहां तक विदेश जाने की बातचीत मैं कर रहा हूं तो विदेश जाने के मामले में ये व्यक्तिगत टिप्पणी करना इन लोगों की मानसिकता का परिचायक है कि कितने निम्न स्तर की राजनीति करते हैं। हम भी जानते हैं कि कौन कौन कब कब विदेश जाता है और उनकी यात्रा किस माने में रहती या जग जाहिर है, लेकिन ये विषय यहाँ का नहीं होता है। विदेश यात्रा से लेकर किसी पर व्यक्तिगत हमले करना ये इनकी मानसिक कमजोरी का
मैं पूछता हूँ, जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। जो राहुल जी ने प्रश्न किया तथ्यात्मक आपके पास उत्तर नहीं है, राहुल जी को जवाब देने के लिए नहीं। उमेश शर्मा साहब, उमेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जवाब देने की कोशिश करते हैं। उमेश साहब, राहुल गांधी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो विपक्ष भी है और विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है। राहुल गांधी के ट्वीट जब जब हमने देखे हैं उसमें किसी तरह की अभद्रता नहीं है, एक संयमित भाषा के जरिए वो सवाल पूछते हैं। लेकिन बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि मानसिक तौर पर कुछ गड़बड़ है? क्या सवाल पूछना गलत है? नहीं, सवाल पूछना कतई भी गलत नहीं है। ठीक, और सवाल पूछे जाना चाहिए जी। लोकतंत्र में अगर सवाल पूछना बंद कर दिया जाएगा तो मुझे लगेगा कि शायद भारत का लोकतंत्र थक गया। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। हम उनके सवालों का स्वागत करते हैं। ठीक, और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि उनके सवालों का जवाब दिया जाए या ना दिया जाए जी। हम अपने संवैधानिक, अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार को सुरक्षित भी रखते हैं। लेकिन और एक बात आपने, लेकिन उमेश साहब, मुझे जहाँ तक आपने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अब आप पूरी ईमानदारी से ये बात कह दीजिए कि जिस तरह की भाषा उनके खिलाफ इस्तेमाल होती है रणनीति का हिस्सा है, या फिर इस तरह की भाषा राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? किसी को दिमागी तौर पे दिवालिया कहना, मानसिक रूप से गड़बड़ कहना शायद उस लेवल की बात नहीं है जितना आला नेताओं को करना चाहिए। सोहेल जी, जी एक आपने मुझे पहले पूछे गए प्रश्न का जवाब दे देने दीजिए। आपने कहा है कि राहुल जी की भाषा संयमित होती है जी। ये भाषा का कौन सा संयम है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाए कि लट पर तेल पिलाकर रखिएगा और 6 महीने बाद इस व्यक्ति की पीठ पर देश का नौजवान डंडे बरसाएगा? ये भाषाई संयम है? ये भाषाई संयम है कि मौत का सौदा करें? ये भाषाई संयम है कि खून का सौदा करते हैं? तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीतिक अभद्रता, जो भाषाई अभद्रता है, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी उपयोग की जाती रही है। और जहां तक आज का यह विषय है कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान का, मुझे लग रहा है कि हम लोग उसके निहितार्थ ही गलत तलाश रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान का और संभवतः यही आशय रहा होगा कि राहुल गांधी जी जो है उनका पालन पोषण जो है वो शुरू से एक अभिजात शैली में हुआ है, और निश्चित रूप से अगर वे लगातार हार तोड़ परिश्रम करते, इस बात में कोई संदेह नहीं है, वे निरंतर देश में रैलियां करते, निरंतर कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते हैं, और इतनी भयंकर जो थकान भरी जीवन शैली होती है, इस थकान भरी जीवन शैली में अगर कोई व्यक्ति थक जाता है और अवकाश लेकर बाहर जाता है तो निश्चित रूप से जब वो बाहर से लौटता है तो तरोताजा और फ्रेश हो जाता है। लेकिन बयान में भाषा इस तरह की उमेश जी के, जिसके आशय ढूंढना पड़ते हैं, आप साफ तौर पे भी तो ये बात कह सकते हैं। नहीं, आशय नहीं ढूंढना पड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि आशय गढ़े जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आशय गढ़े जा रहे हैं, इस तरह के आशय गढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कैलाश जी का सीधा सीधा आशय मुझे लग रहा है कि यही रहा है कि राहुल गांधी जी निरंतर बहुत दिनों से विदेश यात्रा पर लाइटर में बयान दिया रहा है और बेहद थकान भरी जीवन शैली में जी रहे हैं जी। और इस थकान भरी जीवन शैली में किसी भी व्यक्ति को, न केवल राहुल गांधी जी को, मैं कह रहा हूँ कोई सामान्य व्योक्ति भी होगा, और अगर वो कहीं बाहर, मैं आ रहा हूँ योगेश साहब, अपने आप को तरोताजा महसूस करता है, अपने आप को फ्रेश महसूस करता है, और मुझे लग रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान को भी यहीं तक सीमित रखकर देखा जाना चाहिए। ठीक है, यानी गंभीरता से बयान उनका नहीं लेना चाहिए, बहुत लाइटर वे में उन्होंने ये बात कही। बिल्कुल गंभीरता से उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, पर उसके भीतर आप उसको भिन्न अर्थों में मत लेके जाइए। नहीं, मानसिक रूप से गड़बड़ लगते हैं, ये चीज थोड़ी सी चुपती है। योगेश यादव साहब, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने विदेश यात्राओं का भी ब्यौरा प्रस्तुत कर दे कि कब कब प्रधानमंत्री जी से लेकर कैलाश विजयवर्गीय जी ने विदेश यात्रा की, और शायद विदेश यात्रा का इनका उद्देश्य यही हुआ होता होगा कि रिफ्रेश होने के लिए जाते। नहीं, योगेश साहब जाने दीजिए, आपने शुरुआत में बड़ी अच्छी बात कही थी, आपने कहा था कि कौन कब विदेश जाता है और किस लिए जाता है, ये एक बहुत ही निजी और पर्सनल दौरा हो सकता है, उस पर बीजेपी अगर कमेंट कर रही है तो कांग्रेस ना करे। ये राष्ट्रीय स्तर के नेता को ये शोभित नहीं करता, कैलाश विजयवर्गीय जी को अपनी भाषा शैली पर लगाम करना चाहिए। जब मानसिक स्तर खाली हो जाता है तो इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तथ्यात्मक उत्तर तो ये दे नहीं पाते हैं जी, जनता का हिसाब दे नहीं पाते, इनके पास तथ्यात्मक आंसर है नहीं। और इसलिए उमेश जी, आता हूं मैं आपके पास, इसलिए उमेश साहब वाली स्थिति। ठीक उमेश साहब, मेरे पास वक्त कम है, एक मिनट दूंगा मैं आपको। सवाल अगर पूछा है तो सवाल के बदले में एक नया बयान उछालने से बेहतर ये कि आप जवाब दीजिए और हट जाइए। नहीं, सवाल का जवाब देने से बिल्कुल भी अलग नहीं हट रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि सवाल के पीछे का आधार पर्याप्त होना चाहिए। निराधार सवाल पूछे जाएंगे, बेतुके सवाल पूछे जाएंगे और बेहुदे सवाल पूछे जाएंगे तो उसके लिए हम बात नहीं है कि प्रत्येक सवाल का उत्तर दिया जाए। ठीक, तो खामोशी खामोशी रख लिया करिए।
नहीं, खामोशी तो रखी नहीं जाती है राजनीति में। अगर कोई व्यक्ति वाचालता करता है तो निश्चित रूप से वाकपटुता दूसरी और बर्बाद हो जाती है। नहीं योगेश साहब, अब मैं चर्चा खत्म करना चाहूंगा। दरअसल कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर आप बहुत लंबी चर्चा करते चले जाइए, उस अंतहीन हो जाती है। हमारे पास थोड़ी समय की पाबंदी होती है। योगेश साहब, आपका और दोनों मेहमानों का शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया ग्वालियर में, उनका कहना है कि राहुल गांधी अज्ञात रूप से विदेश जाते हैं, वहाँ से पलटते हैं तो कुछ फ्रेश नज़र आते हैं, बीते कई महीनों से विदेश गए नहीं हैं, इसलिए मानसिक रूप से गड़बड़ लग रहे हैं। और हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय के बयान को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लाइटर वे में बात कहिए, कुछ और मकसद होगा, गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन चूंकि बयान उनके खुद के जबान से निकला, लोगों के सामने दिया, मीडिया के सामने दिया, इसलिए जो कुछ बयान दिया वो दिखाना और वो सुनाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब लोग उसके क्या मायने निकालते हैं वो उन पर डिपेंड करता है।